ఇలా बिहार में अपराध चरम पे, मुंगेर की गोलीकांड की मौत, नालंदा में वार्ड काउंसलर के पति की मौत, बालू माफियाओं का हमला, सद्दाम की मौत, बेटियों के बचाने में मां की मौत, शेरखानी में बेटियों पर गोली, बीजेपी के नेता क्रिमिनल का विरोध किया विनय बिहारी तो उनकी मौत, लगातार मौत की मौत। मैं जानना चाहता हूं सरकार से और विपक्ष से दोनों आदमी को एक दूसरे की आलोचना के अलावे कोई मुद्दा बिहार का क्यों नहीं दिखता, और विपक्ष के लिए इतना मुद्दाहीन विपक्ष मैंने जीवन में नहीं देखा। मुकेश सहनी या कोई सहनी, कोई गलत तरीका है जिस पर नीतीश कुमार जी भी कह चुके, माफी मांग चुके। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का इस्तीफा, अरे भाई बालू माफिया पर क्यों नहीं बोलते हो, जो दोनों आदमी मिल करके खेल खेल रहे हैं बिहार में। बालू माफियाओं में विपक्ष की मुंह इसलिए नहीं खुलती है कि आधा शेयर विपक्ष के पैसे का। मैं चैलेंज करता हूं विपक्ष और सत्ता पक्ष, आपके सारे एमएलए एमएलसी बालू में इन्वॉल्व हैं या नहीं? आप बालू माफियाओं के खिलाफ सदन में बात क्यों नहीं करते? आप शराब में लोग मरे उस पर बात क्यों नहीं करते? देवेंद्र वर्मा की हत्या, मर्डर कर दिया गया, एक विधायक उसमें इन्वॉल्व है, उसमें आप बात क्यों नहीं करते? इतने दलित शराब में मर गए, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शराब में दोनों का पैसा इन्वॉल्व, बालू में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, शराब में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, और जमीन की माफियाओं में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, जिसके चलते मर्डर पर मर्डर होते जा रहा है। गलती से कोई भूल हो जाए या नहीं जानकारी हो और वो क्षमा मांग ले, माफी मांग ले, इससे कोई बिहार या देश प्रभावित नहीं हो रहा। जिन मुद्दों से प्रभावित हो रहा, सदन में एक बार भी रुपेश हत्याकांड का मामला क्यों नहीं उठा? सभी लोग गए उसके घर पे, उनकी पत्नी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है और हमारी पार्टी भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। हमने पत्र लिख करके बहुत पहले ही भेजा था कि रुपेश की मौत की घटना सीबीआई इंक्वायरी से हो, ताकि बड़ी मछली और सारे नेता और माफियाओं का तंत्र खुले। क्या सरकार सीबीआई इंक्वायरी कराएगी? ये मामला अब सरकार कहती है कि मैं ईडी से बाहर जो भेज रहे हैं, अरे सरकार से मेरा डिमांड है, पहले ईडी के द्वारा पदाधिकारियों का संपत्ति जब्त कीजिए ना, जो शराब से अकूट पैसा कमाया है, और नेताओं का मैं चाहता हूं पहले उसकी ईडी। आप कह रहे हैं कि मैं ईडी से जब छाप करूंगा, तो भैया नेता और पदाधिकारी को जो अकूट पैसे मिल रहे हैं उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही? जो माफिया पूरा का पूरा, अब डेड लाइन नीतीश कुमार जी बोल ही रहे हैं, 5 साल हो गए, 50,000 करोड़ से ज्यादा का पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, और उस पर डेड लाइन नहीं बोलेंगे, हम डेली रिव्यू कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति जगाइए ना, आपके पदाधिकारी आकंठ डूबे हुए हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को गाली गलौज देने में, दोनों सत्ता पक्ष को लग रहा है कि मैं एकदम सुरक्षित हूं, बेसिक मुद्दा 19 लाख का पलायन का ये उठ ही नहीं रहा, शराब का मुद्दा उठ ही नहीं रहा,
पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का नालंदा में 5 हत्या हो चुकी है इस एक दो सप्ताह के अंदर, ये मुद्दा उठ ही नहीं रहा। तो सत्ता पक्ष बिल्कुल मजे में है, मुद्दा ऐसे है जिसे सरकार ही नहीं है किसी चीजों। तो हम तो आग्रह करेंगे कि एक डेडलाइन शराब का हो, मैं भी चाहता हूं कि शराब बंद हो, लेकिन एक डेडलाइन यदि आप पूरा का पूरा पार्टी के लिए आधा पैसा चंदा उगाही शराब के द्वारा होगी, दोनों पार्टी, और जो सजा की बात नीतीश कुमार जी करते हैं, मेरा उसमें था कि आपने कहा था कि एसपी डीएम डीएसपी सभी लोग सस्पेंड होंगे, एक बार भी नहीं हुआ। और 6 महीने की बात आपने की थी कि 6 महीने के अंदर सजा का प्रावधान हो, एक भी बड़ी मछली और नेताओं और पदाधिकारी 5 साल में सजा नहीं हुई। तो हम सरकार से अपराध का डेडलाइन क्या होगा ये भी सरकार दे दे, शराब का डेडलाइन क्या होगा ये भी सरकार बता दे, और रुपेश की हत्या का क्या सीबीआई इंक्वायरी होगी। एक तरफ सरकार मुखिया के चुनाव लड़ने वालों से आप संपत्ति का ब्यौरा मांग रहे हैं, और जो पदाधिकारी का संपत्ति का ब्यौरा मांगा उस आईजी को आपने ट्रांसफर कर दिया यहां से। तो पदाधिकारी मंत्री संतरी अपने रिश्तेदारों का पूरा मांगिए ना, एक व्यक्ति के से संपत्ति का जांच थोड़ी पता चलता है सरकार महोदय, पूरी रिश्तेदारों की संपत्ति का जांच मांगिए। और जो 18 मेरा बहुत बड़ा आरोप है और ये गंभीर आरोप है, 18 पदाधिकारी जिस पर विस्ट होम मिनिस्टर चले गए, जो इंक्वायरी किए थे इकोनॉमिकल ऑफेंस वाला किसको 4,000 करोड़, कौन कौन पदाधिकारी जिसका फाइल इकोनॉमिक्स ऑफिस में दबा हुआ है, इसको 2-1 महीने के अंदर हम खोलेंगे। इसकी सीडी भी है लेकिन पूरा पदाधिकारी उसे फाइल दबा के रखा हुआ है, जो 15 सालों से पटना में यहां पर पदाधिकारी रह रहे हैं ना, उन पर सबसे बड़ा इकोनॉमिकल ऑफेंस का आरोप है, जिसमें यहां से जो न्याय जी जहां बैठे हुए हैं पहले कोई प्रवीण विस्ट या कोई विस्ट बैठते थे जी जी, और उसको यहां से भेज दिया गया, वो दिल्ली चले गए, उसके बाद गंगवार जी को लाया गया, अपने आदमी को लाया गंगवार जी को। तो इकोनॉमिकल ऑफेंस में वो 18 पदाधिकारी का जो फाइल दबा हुआ है, मैं चाहता हूं वो ओपन हो, संपत्ति का जांच मुखिया से नहीं ना, ऊपर से ना, सत्ता पक्ष विपक्ष सब से ना। और दूसरी और अंतिम बात, जब मुकेश सहनी का सवाल उठा तो विपक्ष से जानना चाहूंगा, गिरिराज जी बोले हैं लाठी से मारो, बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुहान अल्लाह, सरकार उन्हीं की लाठी से वही मार रहे हैं पदाधिकारी को। तो जब गिरिराज जी जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का बिहार में सम्मान नहीं है और उनको लाठी चलाने का आदेश देना पड़ रहा है, तो क्या हश्र होगा इस बिहार का, ये आप समझ लीजिए। इन विपक्ष को सिवाय विधायकों को मान सम्मान, अपने मान सम्मान के अलावे बिहार की जनता के मान सम्मान का और इस हत्या का, मासूम बच्ची के बलात्कार का, अपराध का कोई मतलब नहीं है।